हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। सो राइट नाउ गाइस, आपने देखा होगा कि 1 फरवरी को जब यूनियन बजट अनाउंस हुआ तो उसमें साफ शब्दों में कहा गया कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक, इनको प्राइवेटाइज किया जाएगा और इनके अलावा एक जो है जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ये भी शामिल है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के मद्देनज़र बाद में आपने देखा होगा कि अलग अलग बैंक यूनियन हैं, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और काफ़ी कड़े शब्दों में इनकी निंदा भी की कि इस तरीके के मूव हो रहे हैं वो कि एम्प्लॉय के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ये नहीं होने चाहिए। जहाँ तक कि AIBEA जो कि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन है, इन्होंने ये कहा कि पब्लिक सेक्टर बैंकों को मजबूत करना चाहिए गवर्नमेंट को, बल्कि जो प्राइवेटाइजेशन का मूव है ये काफ़ी निंदनीय है और इसके लिए जो अलग अलग बैंक यूनियन है ये लोग दोस्तों पार्लियामेंट की ओर मार्च भी करने वाले हैं। तो इसके बारे में भी आपने कई जगह पर देखा होगा और मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि ये जो मूव है ये काफ़ी सराहनीय है और इस तरीके से लोगों को अवेयर करने की काफ़ी ज़रूरत भी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बैंक यूनियन है इनका प्लान है मार्च टूवर्ड्स पार्लियामेंट इन मार्च टू प्रोटेस्ट प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें आप सोच रहे होगे कि क्या इनसे कोई फर्क पड़ेगा, इनसे दोस्तों काफ़ी फर्क पड़ सकता है। आपको थोड़ा सा चीज़ें यहाँ पर मैं समझाना चाहूँगा, बहुत ही ध्यान से आप समझना कि अगर कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक है और यहाँ पर कोई भी प्राइवेट बैंक है तो आप इतना जरूर समझ सकते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक होती है ये अपना लोन जो है बहुत सारे पुअर पीपल और ज़रूरतमंद आम लोगों इनके पास में ज़्यादा से ज़्यादा लोन इनका जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इतना ज़रूर समझें कि जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो ज़्यादातर अपनी जो सेंध मारते हैं वो इन्हीं पब्लिक सेक्टर बैंक में ही मारते हैं और बाद में NPA के तौर पर इन बैंकों को भुगतना पड़ता है। इन्हीं सारी चीज़ों को जो ये एसोसिएशन है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन, इन्होंने यही कहा है कि गवर्नमेंट शुड स्ट्रेंथन पब्लिक सेक्टर बैंक बाय हेल्पिंग देम रिकवर बैड लोन्स इंस्टेड ऑफ प्राइवेटाइजिंग देम। तो इन्होंने ये कहा कि बैंकों के लिए जो सरकार है उसको ये चाहिए कि वो बैंकों की मदद करे उनके बैड लोन को रिकवर करने के लिए, बल्कि जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है ये नहीं होना चाहिए। और साथ में एक बात और भी इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया है, मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ में आज लाना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो एसोसिएशन है इनकी आवाज़ और लोगों तक जाए, क्योंकि ये एक ऐसा आर्टिकल है जो लोगों के पास पहुंचेगा तभी इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं दोस्तों इनके ऊपर बात हो सकेगी। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है द ओनली प्रॉब्लम पब्लिक सेक्टर बैंक फेसिंग इज बैड लोन्स, केवल यही एक प्रॉब्लम है और सरकार इन चीज़ों से बाहर इनको निकालने के सिवाय इनका प्राइवेटाइजेशन कर रही है। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि मोस्ट ऑफ द जो बैड लोन्स है आर ड्यू टू द कॉरपोरेट्स एंड रिच इंडस्ट्रीज, मतलब कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं इनके ही कारण ये बड़े NPAs यहाँ पर हैं, जो बैड लोन्स हैं वो इन्हीं के ही हैं। ये जो है सीची बैंकेट चलन, इन्होंने ये बात कही, ये जनरल सेक्रेटरी हैं AIBA के, एक स्टेटमेंट में इन्होंने अपनी बात को रखा। ही अंडरस्कोर्ड दैट द गवर्नमेंट शुड सपोर्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टेक एक्शन अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग कॉर्पोरेट्स एंड इंडस्ट्रीज एंड नॉट प्राइवेटाइज द बैंक। इन्होंने बहुत शानदार शब्दों में अपनी बात कही है, इन्होंने यही कहा है कि जो रिच इंडस्ट्रीज हैं इनको पनिश करो, इनको पकड़ो, रेदर देन आप बैंकों को प्राइवेटाइज क्यों कर रहे हो। और साथ में इन्होंने ये बात भी लिखी है कि मैनी प्राइवेट सेक्टर बैंक हैव कोलैप्स्ड इन आवर कंट्री। लास्ट ईयर आपने देखा कि यस बैंक था वो बहुत ज़्यादा ट्रबल में था, बाद में RBI की वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हुई और उसको एक लेवल तक बचाया गया और उसके बाद में आपने देखा कि अदर बैंक भी आए, जैसे कि ये जो था लक्ष्मी विलास बैंक, ठीक है, अनदर प्राइवेट सेक्टर बैंक गो इनटू ट्रबल। तो इस तरीके की जो चेन ऑफ इवेंट होती रही, तो राइट नाउ यही इनका मेन फोकस था कि सरकार चाहे तो इन बैंकों में अच्छा मनी इन्फ्यूज़ करके इनको बचा सकती है रेदर देन इनको प्राइवेटाइज ना ही किया जाए। और एक चीज़ इन्होंने और भी लिखा कि एसोसिएशन जो जनरल सेक्रेटरी, इन्होंने ऑब्जर्व किया ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक गिव लोन्स टू कॉमन पीपल, पुअर पीपल, एग्रीकल्चरल स्मॉल स्केल सेक्टर्स एटसेट्रा, प्राइवेट बैंक हेल्प ओनली द बिग कॉर्पोरेट्स ही अलेज्ड। मतलब ये देखो जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं ये अपना पैसा निकाल लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट बैंक की बात करें तो ज़्यादातर क्या होता है कि जुगाड़ की जाती है। यहाँ पर आप देखते हो कि 5300 करोड़ रुपए का दे दिया जाएगा मॉर्गेज के रूप में, उसकी इतनी प्रॉपर्टी इन बैंकों के पास में जो पब्लिक सेक्टर बैंक है इनके पास में नहीं होती है। लेकिन जो प्राइवेट बैंक होते हैं ये थोड़े से मतलब चालाक होते हैं और ये कोशिश यही करते हैं कि अगर हम किसी इंडस्ट्रीज को लोन दे रहे हैं तो पहले हम उसकी रिपेइंग कैपेसिटी या फिर हम उसकी एसेट्स को एक बार मॉनिटर कर लें कि अगर इन एनी केस NPA हुआ तो क्या वहाँ पर हम उन चीज़ों की रिकवरी कर पाएंगे। और इन गवर्नमेंट बैंक के ऊपर इतना
इतना पॉलिटिकल प्रेशर होता है कि ये बैंक इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखते और इनको साइडलाइन करते हुए जो मैक्सिमम पैसा होता है वो इन इंडस्ट्रीज और जो इन पर्संस को देते हैं। दैट इज़ वाई जो मेजर एनपीएस और जो मेजर बैड लोन्स होते हैं वो इन गवर्नमेंट बैंक्स में होते हैं। तो इनके लिए कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसी गाइडलाइंस या फिर कुछ ऐसी स्क्रूटनीज बनानी चाहिए जिन पे ये ऐसे लोग सेंध ना मार पाए। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सो राइट नाउ जो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन है लगातार अपनी चर्चा करता जा रहा है कि हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए। और मैं ये जरूर चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप पहले तो इस वीडियो को शेयर कर दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, क्योंकि एक बंदा दो बंदे शेयर करेंगे इनसे कुछ नहीं होगा जब तक बात ये लोगों तक नहीं पहुँचेगी। काफ़ी लोग जागरूक होंगे, ट्वीट करेंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे जब चीज़ों को बचाया जा सकता है। देखो एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि ये आपका मनी है, ये पब्लिक मनी है, ओके। ज़्यादातर लोग अपना पैसा सबसे ज़्यादा जो सेफ समझते हैं वो किस में समझते हैं, वो यही चाहते हैं कि सरकारी बैंक हो, इसमें हम अपने पैसे को डिपॉजिट करेंगे। प्राइवेट बैंक कल को बर्बाद हो गई, कल को भाग गई तो हम क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन स्टिल इन गवर्नमेंट बैंक को और भी मजबूत करने के अलावा अगर इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो आपका अमाउंट जो है वो यहाँ पर होगा। यहाँ पर आप खुद आगे की कहानी समझ सकते हैं। और ये भी इन्होंने एक बात कही है कि प्राइवेट बैंक विल नॉट ओपन ब्रांचेज इन रूरल एरियाज। जितने भी आपने देखा है कि ICICI बैंक की कोई भी प्राइवेट ब्रांच, ठीक है, ये एक प्राइवेट बैंक है, क्या किसी गांव के अंदर ये ब्रांच खुली होती? नहीं होती है। लेकिन आप देख सकते हो SBI हो गया, PNB हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये ब्रांचेस आपके गांव, आपके कस्बे में देखने को मिलती हैं, क्योंकि इनका ज़्यादातर जो एक्सेस है ये है कि आम आदमी तक सारी चीज़ें पहुँचाना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बिज़नेस मॉडल काम करता है, यहाँ पर इनका प्रॉफिटेबिलिटी मेन कंसर्न होता है ICICI और अदर जो प्राइवेट बैंक्स हैं। मैं किसी बैंक को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, ये एक एग्जांपल लिया मैनेजर्स, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल मुझे लगा और मुझे लगा कि आप सभी को ये आर्टिकल पढ़ना भी चाहिए। और द हिंदू बिजनेस लाइन में ये आर्टिकल आया और साथ में आप इन सारी चीज़ों को आप देख भी सकते हो। तो आपसे ही कहूँगा कि आप इसको आगे फर्दर जो है इसको शेयर भी करो और एक बार इस आर्टिकल को भी देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि जो बैंक यूनियन है ये लोग आगे फर्दर प्लान कर रहे हैं। अपोजिंग गवर्नमेंट्स प्राइवेटाइजेशन प्लान, बैंक यूनियंस ऑन फ्राइडे स्टेज प्रोटेस्ट इन ऑल द स्टेट कैपिटल। जितने भी अलग अलग स्टेट के कैपिटल हैं यहाँ पर प्लान किया जाएगा प्रोटेस्ट, ठीक है। और ये बेसिकली ये है कि पार्लियामेंट की ओर ये लोग मूव करें, जो भी ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन के जो लोग हैं, ठीक है। और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ड्यूरिंग इन्होंने बजट स्पीच में ऐसी बातें कही थी। लगभग 10 लाख बैंक एम्प्लॉय और ऑफिसर जो हैं वो अलग अलग फॉर्मेट में हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है अबाउट 10 लाख बैंक एम्प्लॉय एंड ऑफिसर्स अंडर द बैनर ऑफ यूनाइटेड फोरम ऑफ यूनियंस कंसिस्टिंग ऑफ 9 यूनियंस, जिसमें AIBA है, AIBOC है, NCBE है, AIBO है, सारे बैंक यूनियन को यहाँ पर ब्रीफ किया गया है। और इसी जो गवर्नमेंट का प्रपोजल है इसके अगेंस्ट में ये सारे के सारे बैंक यूनियन है। लेकिन आप लोग प्लीज़ इन सारे मूव्स को आगे फेवर करते हुए सपोर्ट करो अगर आप एक एस्पेरेंट हैं, और मेरा यही मानना आप सभी के लिए भी होगा। प्लीज़ शेयर द वीडियो और इस आर्टिकल को पढ़ें और लोगों के साथ शेयर भी करें। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।